नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भाजपा नेता किरण बेदी ने बताया अपना दिल्ली प्लान। दिल्ली में भाजपा की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने आज कृष्णा नगर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने से पहले किरण ने अपने दिल्ली प्लान का खुलासा किया। बेदी ने कहा कि सरकार बनने के बाद हर विभाग का व्हाइट पेपर निकलेगा, दिल्ली की सुरक्षा का इंडेक्स तय होगा। इस दौरान बेदी ने कहा कि अगर वे सीएम बनती हैं तो हर रोज सुबह 9 बजे सरकार गरीबों से मिलेगी, शिकायत के लिए हेल्पलाइन होगी। बेदी ने रास्ते में एक बाइक सवार को भी रोक लिया जिसने हेलमेट नहीं पहना था। किरण ने उसे सलाह दी कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने बदले 2 उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने पार्टी के आंतरिक लोकपाल द्वारा एक जांच के बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आज मेहरौली और मुंडका में अपने उम्मीदवार बदल दिए। मेहरौली से उम्मीदवार गोवर्धन सिंह और मुंडका उम्मीदवार राजेंद्र डबास के आक्रोशित समर्थकों ने पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी ने अब मेहरौली से नरेश यादव को और मुंडका से सुखबीर दलाल को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने से नाराज गोवर्धन ने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन केजरीवाल ने मुझे यह कहते हुए चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया कि दिल्ली और इसके आसपास करीब 335 जाट गांवों में मैं पार्टी का चेहरा रहूंगा। उन्होंने कहा कि यह जाट समुदाय का अपमान है। आसाराम को फिर नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज। नाबालिग लड़की के यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवचनकार आसाराम की अंतरिम जमानत को नामंजूर कर दिया है। आसाराम के वकीलों ने आसाराम की सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट में अंतरिम याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत को नामंजूर करते हुए राजस्थान सरकार को आदेश दिए कि निचली अदालत में गवाही में तेजी लाए। कोहरे के बीच पटरी पार करते वक्त 6 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के फदर बाजार क्षेत्र में आज घने कोहरे के बीच पटरी पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। राजा रेलवे स्टेशन प्रशासन ने फदर बाजार पुलिस को सूचना दी कि खन्नौत नदी पर बने पुल पर घने कोहरे के बीच रेल की पटरी पार करते वक्त 2 बच्चे और 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की एक ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। रविंद्र जडेजा ने अखबार पर 51 करोड़ का दावा ठोका। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने राजकोट के सायंकालीन समाचार पत्र के संपादक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए 51 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। सीनियर सिविल जज पीबी परमार ने अखबार के संपादक और मालिक सतीश मेहता को समन जारी कर 4 फरवरी को अदालत में उपस्थित रहने को कहा है। समाचार पत्र ने 20 नवंबर 2014 को अपनी खबर में आरोप लगाया था कि जडेजा और उनके बिजनेस पार्टनर जे अजमेरा के बाली डांगर से संबंध हैं, जिस पर जमीन हथियाने और फिरौती मांगने के आरोप हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।